कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा। हेलो बंटा लोग, अपन आ गया है गली बॉय के बारे में बात करने के लिए। हम बात करेंगे मूवी के प्लॉट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, एडिटिंग के बारे में, सिनेमेटोग्राफी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मूवी की स्टोरी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं मूवी का प्लॉट। ये मूवी है स्ट्रीट रैपर्स के बारे में और रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं मुराद का रोल और वो भी एक एस्पायरिंग रैपर बने रहा है बॉस। फर्स्ट हाफ में मूवी में मुराद का स्ट्रगल दिखाया गया अपना टाइम आएगा और सेकंड हाफ में उनका रियलाइजेशन बताया गया है, जहां पर उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ वो भी एक अच्छे रैपर बन सकते हैं। दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन। मूवी का प्लॉट बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो उसी से आपको सारी मूवी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन ये मूवी इतने लेयर्स पर बनी है कि एक एक सारे लेयर्स खोलते खोलते इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि क्या बताओ बॉस। गली बॉय लिखी है खुद जोया अख्तर और उनके साथ लिखा है रीमा कागती ने। गली बॉय की स्क्रिप्टिंग इतनी तगड़ी है और इतनी क्रिस्प है कि आपको पता ही नहीं चलता ये 2.5 घंटे की फिल्म कैसे खत्म हो जाती है। फिल्म का डायरेक्शन किया है खुद जोया अख्तर ने। जी हाँ, लव स्टोरीज में आपने उनकी एक शॉर्ट फिल्म तो देख ही ली होगी, उसके बाद वो गली बॉय लेकर आई हैं हम सब के लिए। क्या रैपचिक डायरेक्शन किया है बॉस, मतलब हर एक चीज इतनी बारीकी से दिखाई गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये चीज तो आप खुद फिल्म देख करके ही पता कर सकते हो। बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है जे ओजा। उन्होंने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में हर एक इंच, हर एक नुक्कड़ को इस तरीके से फिल्माया है, वो सारी चीजें आप उस फिल्म में देख सकते हैं। धारावी की बस्तियां, गलियां और जिस तरह की लाइटिंग, चाहे वो रात के वक्त की हो चाहे वो दिन के वक्त की हो, काफी अमेजिंग लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी आपको इस फिल्म में देखने मिल सकती है। फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो पूरी मुंबईया स्टाइल में बात किए ला बॉस, पूरे मुंबईया डायलॉग मारे ला बॉस। क्या डायलॉग लिखे ला है हुन्नस में आ, तू रिप्लाई क्यों किया? जी हाँ, फिल्म का डायलॉग लिखा है मुराद के मामू ने। मुराद के मामू कौन, फिल्म देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। विजय मौर्य जी ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं और इतना प्रॉपर एक्सेंट पकड़ा है ना मुंबईया लैंग्वेज का कि क्या बताओ बॉस, एकदम बहुत हार्डी डायलॉग लिखे उन्होंने। जैसे कि तू गजल ही क्यों नहीं गा लेता, ऐसे ऐसे डायलॉग सुन करके आपके मुंह में सही में हंसी आ जाती। और ऐसे कई डायलॉग्स हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। अब बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह से। भाई साहब, सिम्बा से लेकर के अगर गली बॉय का ग्राफ बोलूं तो एकदम चुम्मा। हालांकि सिम्बा में भी उन्होंने बहुत तगड़ी एक्टिंग की थी, लेकिन अगर मैं कहूं तो पद्मावत के बाद ये फिल्म एक नॉच और ऊपर चली जाती है उनके एक्टिंग को लेकर के। जी हाँ, मुराद का कैरेक्टर इतनी शिद्दत से उन्होंने निभाया कि मैं क्या बताऊं। फर्स्ट हाफ में जहां वो टीनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी लाइफ की स्ट्रगल को इस तरीके से उन्होंने बताया है कि मैं क्या बताऊं। सेकंड हाफ में जहां पर वो एक कॉन्फिडेंट रैपर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी उन्होंने बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में। हालांकि आलिया भट्ट ने इस फिल्म में कोई रैपिंग पॉपिंग नहीं की है, लेकिन उनका किरदार भी बड़ा ही एंगेजिंग है। और सच बताओ तो इस फिल्म को देख के मुझे उनसे और प्यार हो गया यार। क्या एक्टिंग करती है, क्या नेचुरल एक्टर है, वाह वाह वाह। मैं कहूंगा इस कैरेक्टर के लिए आलिया वॉज द बेस्ट, परफेक्ट। अलबिना, किधर है तू? अगर बाकी किरदारों की बात करें तो इस फिल्म में एमसी शेर यानी कि डिवाइन का रोल जो प्ले कर रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, ये उनकी डेब्यू फिल्म है। आपने शायद उनकी इनसाइड एज भी देखी होगी और अगर आपने इनसाइड एज देखी है तो वो जबरदस्त एक्टर है। और अगर कहूँ तो बॉलीवुड में इस फिल्म से अगर उन्होंने डेब्यू किया है तो ये उनकी परफेक्ट चॉइस थी। बाकी किरदारों की अगर बात करें तो विजय रास जो कि प्ले कर रहे हैं मुराद के अब्बा का रोल, अगर मैं उनकी एक्टिंग की बात करूँ तो कौन है, औकात क्या? इतने सालों में आपने उनका एक्टिंग ग्राफ तो देख ही लिया होगा, लेकिन ये फिल्म भी उनके कैप पर एक फेदर ऐड करती है। और खासकर वो सीन जब वो मुराद को समझाने आते हैं कि वो अपने मामू की नौकरी वापस ज्वाइन कर ले, वो सीन तो बड़ा टची था यार। सच बताऊं उस सीन में जब उनके आंखों से आंसू गिरते हैं, देखने लायक शॉट था। रणवीर के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं विजय वर्मा। क्या एक्टिंग खेला है बॉस, एकदम बहुत ही हार्ड एकदम एक्टिंग खेला है। फिल्म में वो कई जगह आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, लेकिन जितने बार भी वो फिल्म में आए हैं, वाह भाई माशाल्लाह चुम्मा।
फिल्म में रणवीर की माँ का और दादी का रोल अमृता सुभाष और ज्योति सुभाष, फिल्म में तो ये एक सास बहू का रोल प्ले कर रही है बट रियल लाइफ में ये दोनों माँ बेटियां हैं और इन दोनों ने भी अपनी एक्टिंग का जलवा कमाल का दिखाया है इस फिल्म में। सच कहूँ तो सारे कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर इस मूवी के इम्पोर्टेंट हैं और अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर ने कहीं भी ये चीज़ मिस नहीं की कि किसी भी एक्टर को या किसी भी कैरेक्टर को कम से कम स्क्रीन स्पेस मिले या कम से कम इम्पोर्टेंस मिले। यही खासियत है गली बॉय की कि सारे कैरेक्टर्स प्रॉपर तरीके से सीन में आते हैं और अपना एक प्रेजेंस छोड़ जाते हैं। फिल्म में करीब 18 गाने हैं, जी हाँ 18 गाने, और सारे के सारे गाने बेहतरीन जो कि फिल्म की स्टोरी को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। चाहे वो फिल्म का गाना अपना टाइम आएगा हो, चाहे वो मेरी गली में हो, चाहे वो भाग 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 आया शेर या ऐसे कई गाने हैं जो बिल्कुल फिल्म की स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिल्म के कई गानों में कई रैपर्स को दिखाया गया है जिसमें से काम भारी हो या डिवाइन हो, इन सब का एक छोटा छोटा गेस्ट अपीयरेंस भी है। मैं अपने मूवी रिव्यूज में रेटिंग्स नहीं देता क्योंकि हर फिल्म को बनाने के लिए जो मेहनत और जो मुशक्कत लगती है वो शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे। बीइंग अ फिल्म मेकर मैं जानता हूँ उस फिल्म को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। तो भंटा बच्ची बम्बाई लोग, कैसा लगा आपको गली बॉय का ये मूवी रिव्यू? अगर आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया है बॉस तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप आने वाले फिल्मों में ऐसे कौन से फिल्म का मूवी रिव्यू देखना चाहते हैं। सो आने वाले मूवी रिव्यूज को देखने के लिए स्टे ट्यून फॉर योर नॉटी चाचू। जरा कम कर शाने गेरी, कम कर जरा, कम कर मस्ती अपनी, कम कर जरा, कम कर गुरूर ये भूल गया लिरिक्स। भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर।